मन अपने स्थान में रहते हुए नरक को स्वर्ग और स्वर्ग को नरक बना सकता है। उसके लिए दोनों समान होते हैं। धन संपत्ति, ख्याति और सुख, इन तीनों में मन इतना लिप्त रहता है कि वह किसी अन्य अच्छाई के बारे में कठिनाई से सोच पाता है। यदि हम अपने विवेक द्वारा निर्देशित होना चाहते हैं, तो हम अपने मन को साहसी बनाएं। हमारा मस्तिष्क एक बगीचे की तरह होता है। इसको या तो बुद्धिमानी पूर्वक विकसित किया जाए अथवा जंगल का रूप धारण करने के लिए छोड़ दिया जाए। प्रत्येक मस्तिष्क ज्ञान की वृद्धि के लिए बनाया गया है। हम इसको सदा के लिए अज्ञान में डुबो देते हैं तथा हम इसकी प्रकृति के विरुद्ध पाप करते हैं। एक दुर्बल शरीर मस्तिष्क की शक्ति का क्षय करता है। मानसिक दास्ता मानसिक मृत्यु होती है और प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता का त्याग करता है अपनी मृत आत्मा का जीवित ताबूत होता है। भगवान से तुम्हारी यह प्रार्थना होनी चाहिए कि वह तुम्हें एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क मन प्रदान करे। अनुपयोग से लोहे में जंग लग जाती है, स्थिर पानी अपनी पवित्रता खो देता है तथा ठंड में जम जाता है। इसी प्रकार निष्क्रियता दिमाग की शक्ति को क्षीण कर देती है। दिमाग के रोग शरीर की शक्तियों की हानि करते हैं। मस्तिष्क पेट की भांति होता है। इस बात का महत्व नहीं होता है कि तुम इसमें कितना रखते हो, बल्कि महत्वपूर्ण यह होता है कि यह कितना हजम करता है। दिमाग की शक्तियाँ सूर्य की विकीर्ण किरणों के समान होती हैं। उन्हें जब केंद्रित किया जाता है तो वे प्रकाश प्रदान करती हैं। उच्चतम मस्तिष्क के पूर्ण विकास एवं विस्तार के लिए एक सीमा तय एकांत आवश्यक होता है। काम करते हुए बहुत कम दिमाग घिसकर बेकार होते हैं। काम न करने के कारण अधिक मस्तिष्कों में जंग लग जाती है और बेकार हो जाते हैं। दिमाग पैराशूटों की भांति होते हैं। वे तभी कार्य करते हैं जब खुले होते हैं। अपने दिमाग का पोषण उच्च विचारों द्वारा करो। शूरता में विश्वास करना शूरवीरों का निर्माण करता है। पृथ्वी पर कोई महान नहीं है, केवल मनुष्य महान है। मनुष्य में कुछ भी महान नहीं, केवल उसका दिमाग महान है। पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा कोई महान नहीं है। मनुष्य में केवल मस्तिष्क महान है, अन्य कुछ नहीं है।